नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिकेट लाइन गुरु के एनालिसिस सेगमेंट में, जहां भाई आज हम कवर कर रहे हैं T10 लीग का 38 मैच जो खेला जाएगा रात 9:30 बजे से। अब भाई टीम्स होंगी आमने सामने अबू धाबी और दिल्ली बुल्स, जहां दिल्ली बुल्स अपना लास्ट मैच कल जीत चुकी है, तो वहीं अबू धाबी ने भी लास्ट मैच अपने नाम किया है। तो दोस्तों ऐसे में अब अगर हम बात करें दोनों टीम्स की हेड टू हेड कंपैरिजन की, इसी सीरीज में 13th मैच में जब दोनों टीम्स आमने सामने थी तो 6 विकेट से अबू धाबी ने गेम अपने नाम किया था सेकंड बैटिंग करते हुए। वेल, अगर हम दोनों टीम्स की भाई लोग अब करंट पोजीशन पर ध्यान दें तो टीम अबू धाबी 9 मैचेस खेल चुकी है और दिल्ली बुल्स भी 9 मैचेस खेल चुकी है। जहां अबू धाबी ने 7 मैचेस जीते हैं तो वहीं दिल्ली बुल्स ने 6 मैच जीते हैं। पॉइंट्स टेबल में भी 2 पॉइंट्स का अंतर है और नेट रन रेट भी अबू धाबी का ज्यादा है, +1.226 के साथ अबू धाबी बैठी है सेकंड पोजीशन पे, तो वहीं दिल्ली बुल्स +0.579 के नेट रन रेट के साथ थर्ड पोजीशन पे विराजमान है। अब चलिए दोस्तों फटाफट से पिच रिपोर्ट पर भी ध्यान दे लेते हैं। भाई शेख जायद स्टेडियम में अगर हम बात करें टोटल 28 मैचेस जो खेले गए हैं, तो उनमें से 9 मैचेस पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 19 मैचेस अपने नाम करे हैं। यानी कि बोल बाला तो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने में ही है और यही रीजन है कि भैया अभी तक सभी कैप्टन्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करी है, यानी कि 28 मैचेस में पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया गया है। अब रही बात स्कोरिंग पैटर्न की, तो भाई बिलो 100 का स्कोर 8 बार बनाया गया है, अबव 100 का स्कोर 6 बार बनाया गया है और अबव 120 का स्कोर 14 बार बनाया जा चुका है। यानी कि दोस्तों विंडो यहां पर जो निकल के आती है वो है अबव 120 की, यानी कि एक और शानदार मैच देखने को मिल सकता है। चलिए भाई लोग अब जरा टीम्स पर फोकस कर लेते हैं। भैया यहाँ पर अगर हम टीम अबू धाबी की बात करें तो दोस्तों लास्ट 5 मैचेस को कंसीडर करते हुए लियम लिविंगस्टोन ने कप्तानी पारी काफ़ी अच्छी खेली है, प्लस अच्छे गेंदबाज भी रहे हैं। 5 मैचेस में इन्होंने 5 विकेट्स तो चटकाई हैं, प्लस 212 के स्ट्राइक रेट से 132 रन ठोके हैं। तो दोस्तों ही इज द गाय जिन पर आपकी सबसे पहले नजर रहनी चाहिए। प्लस टॉप ऑर्डर में फिलिप सॉल्ट ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी है, 4 मैचेस में बल्लेबाजी करी है, 158 रन बनाए हैं, एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 267, धमाकेदार बल्लेबाजी करते दिखे हैं इन ओवरऑल लास्ट 5 मैचेस जो कि टीम अबू धाबी ने खेले हैं। अब इनके अलावा दोस्तों कॉलिन मुनरो ने भी 5 मैचेस में योगदान दिया है 104 रन का और स्ट्राइक रेट रहा है इनका 231 का। अब इनके अलावा दोस्तों 2 प्लेयर्स और हमें समझ में आते हैं। पहले हैं क्रिस गेल जिन्होंने 4 मैचेस में 109 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट रहा है इनका 178। और इनके अलावा अगर हम बात करें तो दोस्तों पॉल स्टर्लिंग ने भी ठीक ठाक बल्लेबाजी करी है, हालांकि कोई बहुत बड़ा स्कोर अचीव नहीं किया है, 42 रन बनाए हैं लास्ट 5 मैचेस में, लेकिन स्ट्राइक रेट रहा है 155 का, जहां पर इन्होंने एक ही पारी खेली है और 28 रन बनाए थे। तो ही इज अ गाय जिस पर आप थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई किफायती और आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी नहीं की है, सो टॉप ऑर्डर में ये एक वीक लिंक के तौर पर नजर आ सकते हैं। वेल, अब रही बात गेंदबाजों की, तो दोस्तों 2 नाम सबसे ऊपर डेफिनेटली नजर आते हैं। डैनी ब्रिग्स का नाम आएगा जिन्होंने 5 मैचेस में 4 विकेट निकाले थे और मर्चेंट डिलेंगे ने भी 4 मैचेस में 4 विकेट निकाले हैं। अब इन दोनों बॉलर्स के अलावा दोस्तों हमें मिलते हैं नवीन उलहक और शेल्डन कॉटरेल जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी है, तो ओवरऑल टीम एक काफी मजबूत कॉम्बिनेशन के साथ इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में उतरने वाली है। अब भैया जरा दूसरी टीम दिल्ली बुल्स की बात करें तो दोस्तों लास्ट मैच में इन्होंने 10 विकेट से जीत दर्ज करी थी और रहमानुल्लाह गुरबाज की शानदार बल्लेबाजी के चलते टीम ने यह मुकाम बेहद आसानी से पार किया था। अब इनके साथ जोड़ी जमी थी चंद्रपाल हेमराज की जिन्होंने लास्ट मैच में प्लेइंग 11 में एंट्री करी है और 24 रन की पारी खेली थी, लेकिन स्ट्राइक रेट रहा था 266 का। तो दोस्तों ये दो बल्लेबाज ऐसे दिखे हैं लास्ट मैच में जो कि अबू धाबी के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। अब इनके अलावा दोस्तों ल्यूक राइट भी टीम में मौजूद है जिन्होंने 144 के स्ट्राइक रेट से लास्ट 4 मैचेस में 90 रन बनाए हैं, प्लस ऑयन मॉर्गन भी मिडिल ऑर्डर संभालते हैं जिन्होंने 5 मैचेस में 68 रन बनाए हैं बट स्ट्राइक रेट रहा है 165 का। तो ये कुछ 4-5 ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि रन स्कोर कर सकते हैं, जिनमें एक नाम जुड़ता है रोमारियो शेफर्ड का जिन्होंने 239 के स्ट्राइक रेट से 5 मैचेस में 79 रन तो ठोके ही हैं, प्लस 2 विकेट भी अपने नाम करे हैं। अब इन प्लेयर्स के अलावा दोस्तों जिन पर नजर रख सकते हैं वो है डोमिनिक ड्रेक्स जिन्होंने 4 मैचेस में 8 विकेट निकाले हैं, प्लस
वेन ब्रावो ने भी 4 मैचेस में 3 विकेट अपने नाम करे हैं, तो ऐसे में ये कुछ ऐसी टीम बनती है जो कि अगर सेकंड बैटिंग करते हैं तो मैच अपने नाम कर सकते हैं। अब इनके अलावा दोस्तों आदिल राशिद भी टीम में मौजूद हैं जो कि विकेट्स निकालने में माहिर हैं, हालांकि इस सीरीज में उतने ज्यादा सक्सेसफुल साबित नहीं हुए हैं। भाई टीम अबूधाबी की प्लेइंग 11 पर दोस्तों नजर डालें तो फिलिप सॉल्ट, पॉल स्टर्लिंग, लियम लिविंगस्टोन, कॉलिन इनग्रम, क्रिस गेल, जिमी ओवरटन, नवीन उल हक, डैनी ब्रिग्स, शेल्डन कॉटरेल, मर्चेंट डेलांगे और मोहम्मद फारूक टीम में खेलते नजर आएंगे। अब भैया चलिए दिल्ली बुल्स की प्लेइंग 11 पर भी दोस्तों नजर डाल लेते हैं। रेमनुल्ला गुरबाज, ल्यूक राइट, चंद्रपॉल हेमराज, शर्फन रदरफोर्ड, ओयन मॉर्गन, डोमिनिक ड्रेक्स, ड्वेन ब्रावो, रोमारियो शेफर्ड, आदिल राशिद, फजल हक फरूकी और शिराज अहमद इस मैच में खेलते नजर आ सकते हैं। अब दोस्तों इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बात करें कंक्लूजन की, तो यहाँ पर टीम अबूधाबी अगर ये मैच हारती भी है तो भी उनका सफर आसानी से कटने वाला है, लेकिन दिल्ली बुल्स के लिए थोड़ी सी परेशानी खड़ी होंगी इन द प्लेऑफ्स। अब रही बात टॉस की, तो दोस्तों वो नो डाउट क्रूशियल रोल प्ले करता है, जो टीम सेकंड बैटिंग करेगी वो उसके जीतने के चांसेस प्रबल हो जाएंगे। अब यहाँ पर अबूधाबी ने दिल्ली बुल्स को पहले भी 6 विकेट से हराया है और परफॉर्मेंस वाइज अबूधाबी की टीम का अपर हैंड नजर आता है। दोस्तों आपके अकॉर्डिंग क्या दिल्ली बुल्स इस बार जीत सकती है, जवाब कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। भाई आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे एक और एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहें क्रिकेट लाइन गुरु के साथ। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।